शेगांव में 28 मार्च 2022 को ओबीसी समाज की महासभा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल तथा हार्दिक पटेल मुख्य अतिथि होने की जानकारी सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने ओबीसी की जातिवार जनगणना को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को निलंबित करते हुए ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया है। मेडिकल प्रवेश कोटा भी निलंबित कर दिया गया है। स्थानीय निकायों में ओबीसी का आरक्षण रद्द होने से राज्य के सभी जिला परिषदों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के 56,000 जनप्रतिनिधि प्रभावित हुए हैं। इस अवसर पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओबीसी शाखा को राज्य में ओबीसी के लिए सामाजिक सभाओं का आयोजन करना चाहिए। इसके तहत 28 मार्च को बुलढाणा जिले के संत नगरी शेगांव में, अकोला वाशिम और बुलढाणा जिले में ओबीसी के लिए एक सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें शहर के दिवंगत गजानन दादा पाटिल मार्केट यार्ड के मैदान का निरीक्षण कर सभा भवन की योजना बनाई गई है। इस समय कांग्रेस नगर अध्यक्ष किरण बापू देशमुख, डॉक्टर जयंतराव खेड़कर, कैलाश बापू देशमुख आदि उपस्थित थे। इस दौरान बताया गया है कि इस मेले में तीनों जिलों के करीब 5,000 ओबीसी भाई मौजूद रहेंगे। 28 तारखेला ओबीसी चा पश्चिम विदर्भाचा मेळावा संत नगरी शेगाव येथे आयोजित केलेला आहे। त्या संदर्भात साधक बाधक चर्चा करून नियोजनाची उद्याची जी बैठक आहे, त्या बैठकीच्या आधी स्थळ पाहणी व मंडपाची रूपरेषा नियोजन यासाठी आज आम्ही इथे संत नगरी शेगावमध्ये पक्षनेते सन्माननीय ज्ञानेश्वरदादा पाटील, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष किरणदादा देशमुख यांच्यासमवेत पाहणी केलेली आहे। या कार्यक्रमासाठी छत्तीसगडचे काँग्रेसचे जे CM आहेत बघेल साहेब हे सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत। त्याचबरोबर हार्दिक पटेल हे गुजरातचे कार्याध्यक्ष आहेत, यांचीसुद्धा उपस्थिती आहे। महाराष्ट्राचे सन्माननीय आमचे प्रांताध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांच्या या सर्व प्रमुख लोकांच्या उपस्थितीमध्ये हा भव्य दिव्य कार्यक्रम शेगाव संतनगरीमध्ये होणार आहे। किती लोक अपेक्षित आहेत साहेब? 4,000 ते 5,000 लोकांचा हा कोविड असल्यामुळे, कोविडचे काही प्रोटोकॉल असल्यामुळे 4,000 ते 5,000 लोकांचं नियोजन असलेला हा कार्यक्रम संत शेगाव नगरीमध्ये होणार आहे। या कार्यक्रमांना सर्व ओबीसीच्या घटकांना एकत्रित करून कसं प्रवाहात आणता येईल याबाबत महाराष्ट्र प्रदेशचे आमचे अध्यक्ष श्री नानाभाऊ पटोले यांची महत्त्वाची भूमिका आहे, म्हणून सर्वांना एकत्रित करून हा कार्यक्रमाला आम्ही समोर जाणार आहोत। बुलढाणा से राजवर्धन शेगावकर, VKB न्यूज के लिए। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।